Assalamualaikum students, welcome to today's class. और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारा थर्ड लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर रहे थे फिलोसफर्स, पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे प्लेटो एंड अरिस्टोटल। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ठीक है। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स। अच्छा, मैसेज आया कि आई कांट हेयर यू, कैन एवरीबडी एल्स हेयर मी, और क्या मेरे एंड से कोई इशू आ रहा है? अच्छा काइंडली, फिर इसका मतलब सिर्फ आपके एंड से इशू है, काइंडली इसको चेक कर लें, ठीक हो गया। तो आज जो हम दो फिलोसफर्स पढ़ेंगे वो हैं माकियावेली एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और ये दो जो हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं माकियावेली से। जी तो माकियावेली कौन था? माकियावेली आपका एक इटालियन फिलोसफर था, ठीक है, और इसने अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है। अब माकियावेली ने अपनी थ्योरीज क्यों दी थी? इस वजह से क्योंकि उस वक्त जो इटली की सिचुएशन थी, इटली में सिटी स्टेट्स थी, ठीक है, जैसे फ्लोरेंस एक हो गई, ठीक है, मिलान एक और हो गई, ठीक है, इस तरह इटली में डिफरेंट सिटी स्टेट्स थी और इटली यूनाइटेड नहीं था, ठीक है। तो माकियावेली चाहता था कि इटली में यूनिटी आए, ठीक है, और सिक्योरिटी हो, ठीक है, और इटली जब यूनाइट होगा, ठीक है, इटली में यूनिटी होगी तो इटली प्रॉस्पर कर सकेगा, ठीक है। तो ये थे इसके गोल्स, ठीक है। इसके अलावा एक इसका और गोल भी था, ठीक है, वो ये कि जैसे आज के दौर में पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखें यूएसए में कैंपेन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, कि अगर ओबामा इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके इलेक्शन कैंपेन को एक बंदा मैनेज कर रहा होगा, जो उसका कैंपेन मैनेजर होगा, उसको एडवाइस भी कर रहा होगा कि आप आज की स्पीच में आप ये कहें, इसका ज़्यादा फायदा होगा पॉलिटिकली, ठीक है। तो माकियावेली उन दिनों आउट ऑफ जॉब था और ये एक तरह से जो उसने अपनी थ्योरी थी ये एक तरह से जॉब एप्लीकेशन भी थी, कि ही वॉन्टेड टू शो कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पोलिटिकल लीडर्स, ठीक है। तो इस तरह फिर इस वजह से भी माकियावेली ने अपनी ये थ्योरीज थी। नंबर वन उसकी क्या रीजन थी कि यूनिटी आए इटली में। नंबर टू इट वाज एज अ जॉब एप्लीकेशन, कि कोई लीडर जो है माकियावेली को अपने साथ अटैच कर ले एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर और इसको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इन लाइट ऑफ दिस यू विल सी हिज थ्योरीज। इसने अपनी जो थ्योरीज थी वो कौन सी बुक में दी? वो इसने दी द प्रिंस में। इसकी बुक का नाम है द प्रिंस, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी फेमस बुक, ठीक है। और ये इस बुक में एडवाइस देता है गवर्नेंस के ऊपर कि स्टेट को किस तरह से गवर्न करना चाहिए। जो प्रिंसेस होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उसको इसने एडवाइस दिया, ठीक है। स्टेबिलिटी की इसने बात की कि स्टेट की स्टेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर
कराया जा सके। ठीक है, पावर पॉलिटिक्स की बात की इसने, ठीक है, कि कैसे जो रूलर है अपनी पावर मेंटेन रख सकता है। फिर इसका हम कंटेम्पोरेरी इम्पैक्ट भी देखेंगे, ठीक है, कि अभी तक माकियावेली किस तरह रेलिवेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये एक तरह से अपील थी नेशनल यूनिटी की, कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और उस चीज की ये एक अपील थी कि नेशनल यूनिटी हो। ठीक है, लेकिन एक इसका इंटेंडेड या अनइंटेंडेड एक इसका ये कॉन्सिक्वेंस है इसकी बुक का, कि जो टायरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रूलर्स टायरेंट्स होते हैं, वो भी इसकी बुक को मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बुक थी द प्रिंस। अब इसने इस बुक में कुछ पीसीज ऑफ एडवाइस दिए टू द प्रिंसेस और रूलर्स रिगार्डिंग किस तरह वो अपनी स्टेट को गवर्न करें, ठीक है, और किस तरह इंश्योर करें स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब वो क्या एडवाइसेस थे जो माकियावेली ने दिए। ठीक है, वर्च्यू अकॉर्डिंग टू माकियावेली इज द नेम ऑफ क्वालिटीज दैट मेक अ प्रिंस अचीव हिज गोल्स। ठीक है, तो माकियावेली के मुताबिक वर्च्यू की कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज नहीं है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेंस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल विजडम होनी चाहिए, ठीक है, करेज होनी चाहिए, इस तरह की नहीं। माकियावेली के मुताबिक वर्च्यू वही है विच हेल्प्स अ प्रिंस अचीव हिज गोल्स, एंड व्हाट आर दोज गोल्स, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और उसने कहा कि पॉपुलर सपोर्ट भी जरूरी है टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक रूलर है बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गया तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे या अपराइजिंग्स होगी। ठीक है, तो उसने कहा पॉपुलर सपोर्ट भी मेंटेन करना लाजमी है। तो उसने पहला एडवाइस ये दिया कि उसने कहा कि आप प्रिटेंड करें, रूलर्स को उसने कहा कि आप प्रिटेंड करें दैट यू आर वर्चुअस। ठीक है, और आप वर्चुअस असल में हो ना, बस प्रिटेंड करें दैट यू आर वर्चुअस, कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत आप नेक इंसान हैं, आप ये प्रिटेंड करें, लेकिन असल में आप अच्छे इंसान, नेक इंसान आप बने ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कहा अगर आप वाकई अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, तो लोग आपका एडवांटेज उठाएंगे। ठीक है, सो असल में आपने अच्छा इंसान नहीं बनना, बस प्रिटेंड करना है, और प्रिटेंड क्यों करना है, ताकि आप पॉपुलर हैं। ठीक है, तो पहला इसका ये एडवाइस था। दूसरा इसका एडवाइस ये था कि ज्यादा जेनरस भी ना हो प्रिंस। ठीक है, ज्यादा जेनरस ना हो, ठीक है, वरना लोग उसे समझेंगे कि इज अ वीक लीडर। ठीक है, बहुत ज्यादा जेनरस है। ठीक है, फिर उसने तीसरा एडवाइस ये दिया कि अगर किसी के साथ ब्रुटैलिटी करनी है, किसी के ऊपर अगर जुल्म करना है, तो सारे के सारे उसके साथ जो ब्रुटैलिटीज हैं एक साथ करें। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अगर आप हल्की ब्रुटैलिटी करेंगे, ठीक है, तो फिर जो मकसद है ब्रुटैलिटी का, जो सजा देने का मकसद है, वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, और उसने कहा इसका ये फायदा भी है कि एक ही दफा सारी ब्रुटैलिटीज कमिट हो जाएंगी, सारे जुल्म एक ही दफा हो जाएंगे जिसके साथ करना है, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल उस जमाने का कोई मीडिया पर्सनैलिटी है, ठीक है, एटसेट्रा, तो एक ही दफा उसके साथ जो भी करनी है ज्यादती करें। और उसने कहा कि इसका ये फायदा भी होगा कि रोज रोज फिर नहीं बॉदर करना पड़ेगा उसके साथ, उसको सजा देने के लिए या उसके साथ ब्रुटैलिटीज कमिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसने कहा जो बेनिफिट्स हैं वो उसने कहा लिटिल बाई लिटिल दें, ये नहीं कि एक ही दफा आप सारे बेनिफिट्स दे दें और फिर जो है
आपके पास और कुछ हो ही ना देने को, ठीक है, क्योंकि लोग फिर अच्छाइयाँ आपकी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप स्लोली स्लोली उनको देते रहेंगे जो है बेनिफिट्स, तो आपकी जो गुडविल है वो मेंटेन रहेगी अमंग द पीपल। तो उसने कहा कि जो भी इसके खिलाफ, उसके एडवाइस के खिलाफ जो प्रिंस एक्ट करेगा, ठीक है, तो हमेशा उसके ऊपर एक तलवार उसके ऊपर लटकती रहेगी, क्योंकि उसने कहा कि जो छोटी मोटी इंजरीज हैं, ठीक है, वो तो लोग अपनी उसकी रिवेंज फिर ले लेंगे। तो अगर जो प्रिंस है वो अपने अपोनेंट्स को, ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, और हल्की फुल्की कोई इंजरी करके उनको छोड़ देगा, ठीक है, तो वो इस काबिल होंगे कि वो उससे बदला ले सकें। तो उसके सर के ऊपर एक हर वक्त तलवार लटकती रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा तब उसकी जान छूट जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा कि प्रिंस मस्ट नॉट बी काइंड, ठीक है, वो काइंड ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो काइंड होगा तो लोग ये परसीव करेंगे कि ये केयरलेस है, ठीक है, और जब लोग समझेंगे कि वो केयरलेस है तब स्टेट में केओस आएगा, एनार्की आएगी, ठीक है, और उसका असल मकसद तो यही है कि स्टेट की यूनिटी, स्टेट की स्टेबिलिटी इंश्योर करे, ठीक है, तो वो अपने मकसद में फेल हो जाएगा अगर वो काइंड हुआ ज्यादा, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में एक तरह से केओस, केओटिक सिचुएशन है थोड़ी, माकियावेली होता तो वो कहता कि यही चीज तो हम नहीं चाहते थे, केओस ना हो, एनार्की ना हो, ठीक है, तो जो मर्जी करके, माकियावेली के मुताबिक तो ये होता कि आप केओस सप्रेस करें, काइंड ना हो, ठीक है, मतलब हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि माकियावेली का ये ओपिनियन था, ठीक है। उसने कहा कि प्रिंस अगर क्रूअल होगा, ठीक है, किसी के साथ, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को उसकी क्रुएल्टी हर्ट करेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा टेंडर होगा, क्वेश्चंस आपके मैं एंड पे लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा टेंडर होगा, ज्यादा वो काइंड होगा, ठीक है, तो फिर वो सारी कम्युनिटी को हर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा अगर काइंड होगा, टेंडर होगा, तो लोग समझेंगे कि ये वीक रूलर है, ठीक है, केयरलेस है, हम केओस एनार्की कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो उसने कहा वो फिर पूरी स्टेट को नुकसान होगा, पूरी स्टेट में केओस आएगी उसकी काइंडनेस की वजह से, जबकि अगर वो क्रूअल होगा तो सिर्फ चंद लोगों को उसका नुकसान होगा, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट इसका उसने किया और उसने कहा कि उसको काइंड नहीं होना चाहिए प्रिंस को, अगर वो चाहता है स्टेट की स्टेबिलिटी। फिर उसका एक बहुत फेमस है, ठीक है, कि दैट अ प्रिंस शुड बी लाइक अ लायन एंड लाइक अ फॉक्स। वाई ही शुड बी अ लाइक अ लायन, ठीक है, कि वो जो वुल्व्स हैं, ठीक है, उनको स्केयर कर सके, ठीक है, जो उसके बाकी पावरफुल अपोनेंट्स हैं वो आर थिंकिंग अबाउट अटैक, स्केयर अवे कर सके, ठीक है, और फॉक्स हो, ठीक है, ताकि जो लोग उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करते बल्कि छुप छुप के स्कीमिंग करते हैं, चालें चलते हैं उसके अगेंस्ट, वो उनके ट्रैप्स भी रिकग्नाइज कर सके, ठीक है, सो ही शुड बी लाइक अ लायन एंड अ फॉक्स। फिर फॉर्च्यून के ऊपर, किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर, उसके ऊपर माकियावेली का क्या ओपिनियन था और उसने क्या एडवाइस दिया टू द प्रिंसेस, ठीक है। उसने फॉर्च्यून को एक रिवर फ्लड के साथ कंपेयर किया और उसने कहा ये किसी भी वक्त आ सकता है, फॉर्च्यून आपकी किसी भी वक्त डाउन टर्न ले सकती है, ठीक है, आपकी किस्मत खराब हो सकती है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि उसके साथ डील करने के लिए आप प्रिपेयर पहले से कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको एक फार साइटेडनेस चाहिए, ठीक है, और फिर डिसाइसिवनेस चाहिए, ठीक है, कि जैसे फ्लड के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप डैम्स बिल्ड करते हैं, ठीक
ठीक है, उसी तरह डाउन टर्न इन फॉर्चून के लिए भी आप प्रेपरेशन करें, ठीक है। और जब कोई बैड सिचुएशन हो जाए तो रूलर को डिसाइसिव होना चाहिए कि वो स्टेप्स ले जिससे जो बैड इफेक्ट्स हैं मिसटर्न ऑफ फॉर्चून के, ठीक है, बैड इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर ले, ठीक है। फिर माकियावेली का इज मोस्ट फेमस कोटेशन, इट इज सेफर टू बी फेयर्ड देन लव्ड, ठीक है। तो उसने कहा कि प्रेफरेबल यही है कि जो प्रिंस है वो लव्ड भी हो, ठीक है, जैसे उसने कहा कि पॉपुलर हो ताकि कोई उसके खिलाफ अपराइजिंग्स ना हो, वो लव्ड भी हो और वो फेयर्ड भी हो, ठीक है। लेकिन उसने कहा अगर उसे चूज करना पड़े तो उसे फेयर चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि उसके सब्जेक्ट्स, उसकी आवाम अगर उसके लिए अनडाइंग लव प्रोक्लेम करते हैं, ठीक है, कि आपके लिए अनडाइंग लव है हमारा, ठीक है, तो जब भी उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा वो उसको ओबे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका फेयर होगा, ठीक है, तो फिर उनकी जरूरत नहीं होगी कि वो उसको ओबे ना करें। इस वजह से उसने कहा कि फेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लव फॉर अ रूलर और प्रिंस, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि बहुत ज्यादा फेयर भी ना हो, ठीक है, कि प्रिंस जो है उसको लोग हेट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, रिजेंटमेंट हो उसके अगेंस्ट, ठीक है, और फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो और लोग उसके खिलाफ हो जाएं, तो बहुत ज्यादा फेयर भी ना हो बट फेयर हो। और वैसे इसके इस ओपिनियन के साथ ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि रूलर को अवाम फेयर करे रूलर को, लेकिन इसके इस ओपिनियन के साथ जो ली कॉन यू था सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर, वो इसके साथ अग्री करता था, ठीक है, और वो कहता था कि रिगार्डिंग बीइंग फेयर्ड एंड बीइंग लव्ड आई अग्री विद माकियावेली, ली कॉन यू कहता था, और वो कहता था कि इफ आई एम नॉट फेयर्ड देन आई एम मीनिंगलेस, इफ पीपल डोंट टेक मी सीरियसली देन आई एम मीनिंगलेस, ठीक है, ली कॉन यू ये कहता था, ठीक है। और मिलिट्री पावर के ऊपर उसने क्या एडवाइस दिया प्रिंसेस को, मिलिट्री पावर के ऊपर उसने कहा कि हमारी जो फोर्सेस होनी चाहिए वो अपने सिटीजन्स के ऊपर कंप्राइज होनी चाहिए, ठीक है, और मर्सिनरी ट्रूप्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि किराए के फौजी नहीं होने चाहिए कि किसी और स्टेट से उनको पैसे दे के हायर कर दिए ट्रूप्स, इस तरह नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर अबैंडन कर जाएंगे अगर ज्यादा मसला हुआ, जो आपके सिटीजन्स हैं अगर ट्रूप्स में वो ज्यादा लॉयल्टी के साथ लड़ेंगे, ठीक है। फिर उसने इसी तरह ओपिनियन दिया कि अगर उसके दो नेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसको वो सपोर्ट करे, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए अगर उसके दो नेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि फिर प्रिंस को बैलेंस ऑफ पावर गेम प्ले करनी चाहिए और जो दो उसके नेबर्स उसके साथ लड़ रहे हैं उनमें से जो वीकर है उसको सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंस की अपनी स्टेट है, ठीक है, वो और जो वीकर स्टेट है वो, ये दोनों मिलके जो दूसरे वाली स्टेट है, ठीक है, उसको डिफीट कर लेंगे, ठीक है, तो इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी को यूज करें और बैलेंस ऑफ पावर गेम खेले, ठीक है, न्यूट्रल ना रहे, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो दोनों कंट्री उसको हेट करेंगे, जो दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं वो दोनों उसको हेट करेंगे, ठीक है, और जो विक्टर होगा दोनों में से जो जीतेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और फिर ये वाला जो प्रिंस है और इसकी जो स्टेट है इट विल बी एट द मर्सी ऑफ द बिगर पावर, ठीक है, तो इस वजह से उसे बैलेंस ऑफ पावर गेम प्ले करनी चाहिए जब भी उसके जो नेबर्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में। फिर एडवाइजर्स की सिलेक्शन के ऊपर भी उसने एडवाइस दिया टू द प्रिंसेस, उसने कहा कि
उसे ऐसे एडवाइजर्स रखने चाहिए जो के बगैर किसी फेयर के उसको अपना वॉइस दे दे, ठीक है, और वो ये ना हो कि वो डरें कि हम ये से सही वाला एडवाइस दें और ये ऑफेंस ना ले जाए प्रिंस, ठीक है, माइंड ना कर जाए, इस तरह ना हो, बल्कि उसे केपेबल एडवाइजर्स सिलेक्ट करने चाहिए जो उसे कड़वे सच बता सकें। फिर माकियावेली को कहा जाता है अपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पावर पॉलिटिक्स को एडवोकेट करता था, ठीक है, और ये देखें ये सारे इसने जो एक्शंस बताए वो एक्शंस किस चीज के ऊपर एम्ड है कि पावर मेंटेन रह जाए प्रिंस की, ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी है कि पावर पॉलिटिक्स की ये बात करता था, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो एम था वो ये था कि नेशनल स्टेबिलिटी हो, नेशनल यूनिटी हो, ठीक है। और इसका गोल यही था कि नेशनल यूनिटी अचीव हो, ठीक है, और जो भी इसने चीजें एडवोकेट की वो सारी इसी चीज के लिए थी, नेशनल यूनिटी हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, और सब चीजें, बेशक उसने सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी दी, ठीक है, उसकी बात की कि लोगों को सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी दें, ठीक है, वुमेन को राइट्स दें, ठीक है, और थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दें, ठीक है, ताकि रिवोल्ट्स ना हो, कुछ ना कुछ जो पॉपुलैरिटी है एज फार एज पॉसिबल वो पॉपुलैरिटी मेंटेन रहे रूलर की, ठीक है, तो सारा जो उसका एडवाइस था इट वॉज एम्ड एट नेशनल स्टेबिलिटी एंड नेशनल यूनिटी। फिर माकियावेली का कंटेम्परेरी इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, आज भी माकियावेली उसी तरह से रेलिवेंट है जिस तरह वो तब था, ठीक है, और ये इसको कहा जा सकता है कि ये रियलिज्म का हाउ थिंग्स आर ये वैसे बताता है, ठीक है, कोई शुगर कोट ये नहीं करता, ये डायरेक्ट बताता है हाउ थिंग्स आर, ठीक है, रादर देन हाउ वी वुड लाइक देम टू बी, ठीक है, तो ये रियलिटी चेक एक तरह से देता है रादर देन विशुअल थिंकिंग को प्रमोट करे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये है कि इसने काफी ओवर एस्टिमेट कर दिया था कि स्टेट्समैन जो है वो क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज इसने काफी ओवर एस्टिमेट कर दी थी, ठीक है, लेकिन ये एक और तरीके से भी रेलिवेंट है कि मॉडर्न देखें जो भी पॉलिटिकल थॉट है उसमें आपको सेकुलरिज्म नजर आती है, ठीक है, अभी तक हमने देखें जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ी उसमें रिलीजन की या सच कोई उसका एक्टिव रोल नहीं था, तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थॉट है वो ज्यादा सेकुलर है और माकियावेली भी सेकुलरिटी की बात करता था, ठीक है, सो इन दैट वे ही इज रेलिवेंट टुडे एज वेल, ठीक है, और जिन प्रॉब्लम्स की उसने बात की, ठीक है, कि स्टेबिलिटी हो, ठीक है, नेशनल यूनिटी हो, अब देखिए वो प्रॉब्लम्स आज भी हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी अलेज किया जाता है कि नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी जैसे जो डिक्टेटर्स थे इन सब ने माकियावेली को पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आजकल भी लीडर्स एडमिट नहीं करते कि उन्होंने माकियावेली को पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो फिर उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते क्योंकि माकियावेली की एक बैड रेपुटेशन है, कनिंग रेपुटेशन है, तो रूलर्स उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, ठीक है, लेकिन अक्सर ने माकियावेली को पढ़ा होता है, ठीक है, क्योंकि पावर गेम में होते हैं वो लोग, ठीक है। अब मॉडर्न देखें अथॉरिटेरियन रूलर्स कितने हैं, आपको नजर आता है ट्रंप, मोदी, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है, ठीक है, तो सारे ये जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं, ठीक है,
ये कहा जा सकता है कि दे आर फॉलोइंग माकियावेली। तो ये था माकियावेली और ये इसके ऊपर थी क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसके ऊपर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने माकियावेली को एक डेविल कहा था कि इज अ डेविल, ठीक है। और लेकिन लीक ऑन यू, जिसको मार्गरेट थैचर, ठीक है, जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, जो टोनी ब्लेयर यूके का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, रिचर्ड निक्सन यूएसए का प्रेसिडेंट, हेनरी किसिंजर वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब लोग समझते थे लीक ऑन यू को कि लीक ऑन यू इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्संस ऑफ द लास्ट सेंचुरी। और जो लीक ऑन यू था वो माकियावेली से उस बात के ऊपर एग्री करता था एटलीस्ट कि इट इज बेटर टू बी फेयर्ड देन लव्ड इफ यू कांट बी बोथ, ठीक है। तो ये बात है, ये था माकियावेली। तो इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लेक्चर के एंड में कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाला जो हमारा फिलोसफर है उसको भी कवर कर लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट फिलोसफर इज मॉन्टेस्क्यू। अगेन माकियावेली की तरह जो मॉन्टेस्क्यू है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका फिलोसफर है, ठीक है। और इसकी स्पेशली जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, ठीक है। और स्पेशली जो यूएसए है, यूएसए में, यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में आपको माकियावेली की थ्योरीज बहुत प्रोमिनेंटली नजर आती हैं, ठीक है। पहली जो थ्योरी है वो है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसकी हम दो तीन थ्योरीज की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहली है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अब ये क्या है, ठीक है, इसमें मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स में, पूरी हिस्ट्री में, इसने कहा ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल इवेंट्स, उनकी इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, ठीक है, बल्कि किस चीज की इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, इसने कहा जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो है नेचुरल लॉज, ठीक है। तो वो कैसे, ये एग्जांपल देता है कि रोम जो था पहले एक रिपब्लिक था, ठीक है, फिर वो बन गई थी रोमन एम्पायर, ठीक है। आप देखें 29 BC में ये ट्रांजिशन हुई, उससे पहले 509 BC से लेके 29 BC तक रोमन रिपब्लिक रहा, ठीक है। 509 BC से अगर आप उससे भी पहले जाएं तो तब वो किंगडम था, ठीक है। उसके बाद 509 BC में रोमन रिपब्लिक बना और 29 BC तक रोमन रिपब्लिक रहा, ठीक है। 29 BC ऑनवर्ड्स रोमन एम्पायर बन गई, ठीक है, रिपब्लिक नहीं रहा वो। रिपब्लिक कहते हैं जैसे हमारा भी पाकिस्तान है, रिपब्लिक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, एक तरह से डेमोक्रेसी जिसमें आप लोगों को इलेक्ट करें और वो लोग आपकी फिर पॉलिसी बनाए, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए वो रिपब्लिक रहा, फिर वो दोबारा से एक एम्पायर बन गई और उनका एक एम्परर था ऑगस्टस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्परर्स इन हिस्ट्री, ठीक है। तो अगस्टस के एम्परर बनने से पहले वो रिपब्लिक था, ठीक है। तो जो इसकी रोम की ट्रांजिशन हुई थी फ्रॉम अ रिपब्लिक टू एन एम्पायर, ये क्यों हुई थी, ठीक है, ये बताता है मॉन्टेस्क्यू। अब आमतौर के ऊपर जनरल परसेप्शन ये है कि रोमन रिपब्लिक में, ठीक है, कुछ ऐसे उनके मिलिट्री जनरल आए थे लाइक पोम्पे एंड जूलियस सीजर, ठीक है, जिनका एम्बिशन बहुत ज्यादा था,
वो अपने लिए बहुत ज्यादा पावर चाहते थे, ठीक है, और लोग समझते हैं कि इस एम्बिशन की वजह से फिर जो रोम है वो रिपब्लिक से एम्पायर में तब्दील हो गया। लेकिन मॉन्टेस्क्यू कहता है कि नहीं, ये जूलियस सीजर और पॉम्पे वो इसकी वजह नहीं है, बल्कि इंसान की जो फितरत है, ह्यूमन नेचर के जो लॉज हैं, वो इसकी वजह थे। या कि अगर सीजर, जूलियस सीजर और पॉम्पे जैसे लोग, अगर ये इंडिविजुअल्स ना आते तो इनकी जगह कोई और आ जाता, क्योंकि इंसान की फितरत में है, ह्यूमन नेचर में है एम्बिशन, ठीक है, इंसान पावर चाहता है, अथॉरिटी चाहता है, वो चाहता है कि वो करे डिसीजन मेकिंग, उसकी बात मानी जाए, ठीक है, तो क्योंकि इंसान में ये बात है, ठीक है, तो अगर ये लोग ना आते तो उनकी जगह कोई और आ जाता, ठीक है, तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इसकी वजह से जो रोमन रिपब्लिक है वो एम्पायर में चेंज हुआ, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ जूलियस सीजर और पॉम्पे, ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन या इवेंट्स का इतना रोल नहीं है, बल्कि नेचुरल लॉज का सल रोल है हिस्ट्री में, ठीक है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स नेचुरल लॉज की वजह से होते हैं। उसने कहा सारी यूनिवर्स में हमें इस तरह के रेगुलरिटीज नजर आती हैं, जिसको उसने कहा लॉज, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन नेचर के कुछ लॉज हैं, ठीक है, जिन लॉज की वजह से रोमन रिपब्लिक जो है वो एम्पायर में तब्दील हुआ। ह्यूमन नेचर में क्या है, अब देखें ह्यूमन नेचर में जो इसमें बात हुई, एम्बिशन है, ठीक है, प्राइड है, एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड है, लव है, हेट है, ठीक है, एनवी है, और क्या है इसमें, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो ये फिर ह्यूमन नेचर के लॉज हो गए। उसके अलावा बाकी आपके यूनिवर्स के लॉज हैं, ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स के लॉज हैं, ठीक है, कुछ आपकी फिजिक्स के लॉज हैं, ठीक है, किसी तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एट्सेट्रा, सारे आपके यूनिवर्स में लॉज हैं, ठीक है, तो उसने कहा ये जो लॉज ऑफ नेचर हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लॉज हैं, इनके थ्रू दे डिटरमिन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड नॉट इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल इवेंट्स, ठीक है। और उसने कहा ये जो लॉज है ये हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ रीजन, ठीक है, कि हम अगर अपनी अकल इस्तेमाल करें तो हम ये लॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि ये जो हमने अपने ऊपर एक तरह से गवर्नमेंट को मुसलत किया हुआ है, ठीक है, सारे कंट्रीज जो अपने ऊपर एक गवर्नमेंट मुसलत करते हैं, ठीक है, ये भी ह्यूमन रीजन की वजह से है, ठीक है, कि इंसान ने ये रियलाइज किया कि उसे पीस और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट आप हमें प्रोवाइड करें पीस एंड सिक्योरिटी और हम आपके लॉज को ओबे करेंगे, ठीक है। ये थी इसकी पहली थ्योरी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री या फिलॉसफी ऑफ नेचुरल लॉज, ठीक है। फिर इसने एक कंपनी दी थी क्लाइमेट थ्योरी, ठीक है, और इसने कहा कि ये जो क्लाइमेट होती है ये आपकी सोसाइटी को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है, और ये जो आपके सोशो कल्चरल सिस्टम्स बनते हैं डिफरेंट, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि जैसे कुछ क्लाइमेट्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रांस की टेम्परेट क्लाइमेट है, माइल्ड क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, उसने कहा वो एक आइडियल क्लाइमेट है, ठीक है। उसने कहा जो लोग हॉट जोन्स में रहते हैं, ठीक है, जैसे सब सहारन अफ्रीका, वो लोग हॉट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कुछ जो इन्वायरमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती हैं, ठीक है, और जब वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती हैं वो इन्वायरमेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ से आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की वजह से आपको पैसा जनरेट होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, और उस प्रॉस्पेरिटी को फिर जो मुल्क है वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड
स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से इसने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से, और कंट्रीज की जो प्रॉस्पेरिटी है और उनके जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि कंट्री की क्लाइमेट कैसी है, कंट्री की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है। उसने कहा कि जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होता है जिन कंट्रीज में, वहां पे फिर अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, ठीक है, और अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ जो होती है वहां से फिर वो डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने कंट्रीज की, ठीक है। और एग्रीकल्चर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर। अब अगर हम इसकी थ्योरी की क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये एक रीसेंट बुक है, गन्स जर्म्स एंड स्टील द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, और ये किसने लिखी थी, जेरेड डायमंड ने, ठीक है। ये एक रीसेंट बुक है और इस बुक में भी जो कंक्लूजन्स हैं वो सारी मोंटेस्क्यू की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि उसने इसमें भी यही बताया कि टेम्परेट क्लाइमेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, और वहां से फिर कंट्रीज आर एबल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो प्रेवलेंस ऑफ डिजीज है, ठीक है, वो भी आपकी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, कि जैसे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है लाइक सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, सहारा एक डेजर्ट है, जो आपका अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है उसमें सहारा एक डेजर्ट है, ठीक है, कि और फिर उस डेजर्ट से उसके साउथ के ऊपर जो कंट्रीज हैं उन सबको कहते हैं सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज, ठीक है। तो इन ये जो कंट्रीज हैं इनमें जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल, ठीक है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डिजीजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसा कि मलेरिया, ठीक है, और मलेरिया का आज तक कोई क्योर नहीं है, ठीक है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, वहां पे टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है, मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे इस तरह के डिजीजेस नहीं है, ठीक है। और क्योंकि सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज में इस तरह के डिजीजेज हैं तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सिक हो जाती है, हर वक्त वो लोग बीमार होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो वो बीमार होते हैं तो प्रोडक्टिव कैसे होंगे, उनकी वर्कफोर्स उनकी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव ही नहीं होती, ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा उन कंट्रीज का जो पैसा है वो उनके ऊपर लगता है कि उनकी तीमारदारी की जाए, ठीक है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपके क्लाइमेट किस तरह अफेक्ट करती है कि कौन से कंट्रीज प्रॉस्पर करते हैं कौन से कंट्रीज प्रॉस्पर नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह ज्योग्राफी को देखें आप कि कुछ कंट्रीज उनके पास एक्सेस होती है, ठीक है, ओशंस की, रिवर्स की, ठीक है, और कुछ कंट्रीज जो होते हैं वो लैंड लॉक्ड होते हैं, ठीक है। तो जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं दे आर जनरली पुअरर एज कंपेयर टू कंट्रीज विच हैव एक्सेस टू नेविगेबल रिवर्स, ठीक है। तो मॉडर्न जो रिसर्च है वो प्रूव करती है मोंटेस्क्यू की थ्योरी को। इसकी आप एग्जांपल्स देखें कि वेस्टर्न यूरोप लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, ठीक है, इनकी जो, और अमेरिका भी, इनकी जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो प्रोडक्टिव था। सब सहारन अफ्रीका जो है, ठीक है, वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो थी, ठीक है, तो इस वजह से वहां पे एग्रीकल्चर जो है लेट भी वहां पे डेवलप हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप देखें लैंड ऑफ कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बोलीविया, ठीक है, तो ये ट्रेड भी किसी के साथ करना चाहें तो इन्हें बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ट्रेड इनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, तो दे आर एट अ डिसएडवांटेज। इसकी क्लाइमेट थ्योरी, तीसरी जो इसकी थ्योरी है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। इसी का तीन टाइप्स की गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे अरिस्टोटल ने की थी। अरिस्टोटल ने, आप याद करें,
टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू, तीन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उनमें होते हैं डेस्पोटिजम्स, रिपब्लिक्स और मोनार्कीज, ठीक है। ठीक है, अब इसने कहा कि ये कैसा पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, ठीक है। और हाँ, ये कैसे पता चलेगा, उसने कहा एक तो आप नेचर से आपको पता चलेगा, ठीक है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल के जो पावर है वो किसके पास है, ठीक है, उस कंट्री में पावर किसके पास है, वहां से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वेदर इट इज डेस्पोटिज्म, रिपब्लिक और मोनार्की। दूसरा, इस कंट्री में प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है, यानी कि जो इसकी अवाम में क्या वो कंडीशन मौजूद है, कि अगर वो कंडीशन ना हो तो वो कंट्री वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सस्टेन ना कर सके, ठीक है। ये भी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो उसने पहली अपनी बताई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेस्पोटिजम्स, उसने कहा कि इनमें जो है इनकी जो नेचर होती है, नेचर याद करें, नेचर का क्या, नेचर से क्या मुराद था कि पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, सोवरेनिटी किसके पास है, तो इसमें एक पर्सन के पास सारी की सारी पावर होती है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक इंसान के पास होती है, और वो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई लॉ नहीं है जो रूलर को फॉलो करना पड़े, बस वो अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे स्टेट में करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आपका जो रूलर है वहां पे, जैसे मोहम्मद बिन सलमान डिफेक्टो रूलर है, वो जो मर्जी करे, ठीक है, कोई उसके ऊपर चेक नहीं है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जब ऐसा हो कि पावर एक बंदे के पास हो, तो उसको मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये होगी डेस्पोटिज्म। और इसमें प्रिंसिपल कौन सा होगा, ठीक है, कि वो चीज अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन में ना हो तो ये वाली जो गवर्नमेंट है ये सस्टेन ना नहीं कर सकेगी, ठीक है। वो है फेयर और सर्विलिटी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू इट, ठीक है, यानी कि उस कंट्री की अवाम में अगर फेयर है, ठीक है, रूलर का, कि रूलर हमें पनिश करेगा अगर हमने उसको ओबे ना किया, ठीक है, तो ये चीज, ये फेयर उनमें होना जरूरी है, वरना ये जो डेस्पोटिज्म है ये नहीं चल सकती, ठीक है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया की एग्जांपल लें, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया की अवाम में अगर ये फेयर ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेगा अगर हमने उसके खिलाफ कोई बगावत की, ठीक है, या कोई और हमने उसके खिलाफ कोई काम किया तो हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है, अगर उनके उनमें ये फेयर ना हो तो सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान एंड फैमिली इनकी हुकूमत नहीं चल सकती। सिमिलरली आप देखें नॉर्थ कोरिया में, वहां पे आपका जो रूलर है वो कौन है, किम जोंग उन, ठीक है, और वो भी सारी पावर उसके पास है, जो मर्जी उसकी आए वो करे। अब वहां पे भी वो क्यों मेंटेन्ड है उसकी पावर, क्योंकि लोगों में फेयर है, ठीक है, लोग उससे डरते हैं। अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर मॉन्टेस्क्यू का ओपिनियन क्या था, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये एक अननेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे कोई लॉ ही नहीं है, तो मॉन्टेस्क्यू ने इसको नापसंद किया। दूसरी जो उसने बताई टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो थी रिपब्लिक। रिपब्लिक में नेचर क्या होती है, नेचर याद करें, नेचर क्या होती थी कि पावर, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ठीक है, इसमें फ्री सिटीजन्स के पास है और वो जिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वो खुद इलेक्ट करते हैं, नोबल्स को, उनके पास है। जैसे आप देखें पाकिस्तान में हमारे पास भी पावर है फ्री सिटीजन्स के पास, ठीक है, कि हम अपने वोटिंग के जरिए, हमारे पास पावर है कि हम जिसको वोट देते हैं वो फिर एमएलए बनता है, ठीक है, तो ये हमारे पास भी पावर है डिसीजन मेकिंग, और फिर हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं, हमारे जो एमएनएज हैं, उनके पास भी पावर है कि लॉज सारे वो बनाते हैं, उन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है।
जिसमें पावर की डिवीजन इस तरह की हो उसको मोंटेस्क्यू ने कहा ये रिपब्लिक होता है, ठीक है। और इसमें प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर वो वाला प्रिंसिपल ना हो उसकी पॉपुलेशन में तो ये वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल सकती, वो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिविक वर्चू एंड पब्लिक स्पिरिट, ठीक है, कि एक सिविक सेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब गुडविल होनी चाहिए, एक बेनेवोलेंस होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, अवाम में ये स्पिरिट होनी चाहिए कि लोगों के भले के लिए काम करें। मोंटेस्क्यू के मुताबिक लोगों में ये चीज होना जरूरी है तभी रिपब्लिक चल सकता है। और आप देखें क्या पाकिस्तान के लोगों में ये चीज है? द आंसर इज नो। और मेरे ख्याल से तो एक तो ये वजह भी है कि डेमोक्रेसी देखें पाकिस्तान में इतना ज्यादा स्ट्रगल करती है, ठीक है। और इसके ऊपर मोंटेस्क्यू का क्या ओपिनियन था? मोंटेस्क्यू ने कहा कि ये डेमोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी का एक ब्लेंड है। अरिस्टोक्रेसी कैसे? कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, वो नोबल्स होते हैं। जैसे आप देखें सिंध के सारे वडेरे हैं, बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो सारे हमारे MNAs हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अरिस्टोक्रेसी भी है और डेमोक्रेसी भी है कि हमारे पास भी पावर है, हम जिसको वोट दें, ठीक है। तीसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू ने बताई वो थी मोनार्की। अब इसमें नेचर क्या होती है? नेचर क्या थी कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? वो इसमें है एक बंदे के पास, ठीक है, लेकिन कुछ पावर एक बंदे के पास भी है, ठीक है, लेकिन साथ साथ कुछ पावर पार्लियामेंट के पास भी है, कुछ पावर नोबिलिटी के पास भी है और क्लर्जी के पास भी है। क्लर्जी कहते हैं आपके जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा चेक एंड बैलेंस है, मोस्ट ऑफ द पावर एक बंदे के पास ही है लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेक्स मौजूद हैं पार्लियामेंट के, नोबिलिटी के, क्लर्जी के, ठीक है। तो ये है मोनार्की में नेचर, उस गवर्नमेंट की नेचर ऑफ गवर्नमेंट है ये, ठीक है। फिर उसमें प्रिंसिपल क्या है कि जिसके बगैर ये नहीं चल सकती, लोगों में क्या चीज ना हो, ठीक है, तो वो फिर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल सकती, ठीक है। और इसकी वैसे एग्जांपल भी देख लें तो ब्रिटेन है इसकी एग्जांपल मोनार्की की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, तो इसमें लोगों में एक सेंस ऑफ ऑनर होना चाहिए मैसेज में, ठीक है, कि एक उनमें सेंस ऑफ ऑनर होना चाहिए, ठीक है, और उनमें एक सेंस ऑफ रैंक एंड डिस्टिंक्शन होनी चाहिए स्पेशली मिलिट्री अकम्पलिशमेंट की, ठीक है, कि वो ऐसे लोगों को मोनार्की उनको सूटेबल है जो जिन लोगों में एक सेंस ऑफ ऑनर हो, ठीक है। अब देखें ब्रिटेन में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मोनार्क को एक अपना सिंबल ऑफ ऑनर समझते हैं, ठीक है, और इस तरह जो बंदा काबिल हो, ठीक है, जो उनका मोनार्क स्पेशली मोंटेस्क्यू के जमाने में जो मिलिट्री अचीवमेंट्स करता था तो उसको वो ऑनर करते थे, ठीक है। और जब अवाम में इस तरह की स्पिरिट हो तो ऐसे लोगों को सूट करता है मोनार्की, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट, नोबिलिटी, क्लर्जी के चेक्स मौजूद हैं। अब इसके ऊपर मोंटेस्क्यू का क्या ओपिनियन था? मोंटेस्क्यू ने कहा ये बहुत ही फेवरेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, और उस जमाने में जो यूके था, जो ब्रिटेन था, वो इस तरह की मोनार्की था, और मोंटेस्क्यू के मुताबिक वो एक अच्छी गवर्नमेंट थी, और वो चाहता था कि फ्रांस भी उसी की तरह ब्रिटेन की तरह बन जाए, और वो समझता था कि फ्रांस बन क्या गया है? उसने कहा फ्रांस एक डेस्पोटिज्म बन गया, ठीक है,
एक बंदे का रूल है, आर्बिट्रेरी रूल है उसका, ठीक है। तो ये थी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू। अब इसकी जो चौथी और आखिरी थ्योरी है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसको हम डिटेल में हमारा एक लेक्चर होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसमें इसको हमने फुली डिस्कस करना है, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, ठीक है। कि मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो पावर है उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। एक हो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है, वो ब्रांच लॉज बनाए, ठीक है, कि मुल्क में कौन से लॉज होने चाहिए, वो ब्रांच बनाए। दूसरी हो आपकी, जैसे हमारी है नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट, हमारा जो पार्लियामेंट है टोटल, ठीक है। दूसरी हो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच, जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और तीसरी ब्रांच हो आपका, आपकी जुडिशरी, ठीक है, कि जो चेक करे कि लॉज सही बन रहे हैं, सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, जैसे हमारा है सुप्रीम कोर्ट। तो उसने कहा पावर को इस तरह से आप तीन हिस्सों में डिवाइड करें। उसकी वजह यह थी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि अगर आप एक ब्रांच को या एक इंसान को ज्यादा पावर देंगे तो इट इज लाइबल टू बिकम करप्ट, ठीक है, तो उसको मिसयूज करेगा वो बंदा, बहुत चांसेस हैं। तो इस वजह से पावर की आप सेपरेशन करें, ठीक है। और इसके ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ये हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट हुआ नजर आता है, ठीक है। और यूएसए के जो फाउंडिंग फादर्स थे लाइक जेम्स मेडिसन, दे वर इंस्पायर्ड बाय मोंटेस्क्यू, ठीक है। तो ये थी मोंटेस्क्यू की थ्योरीज, और उससे पहले माकियावेली की थ्योरी। तो इसके ऊपर अब आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू गाइस कैन आस्क। कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो यू गाइस कैन आस्क। अच्छा, यू हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, यस यू कैन आस्क। अच्छा, आपके वही क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप पे आए हैं, यू डोंट नीड टू टाइप अगेन, मैं आपको व्हाट्सएप से देख के आपको आंसर कर देता हूँ, ठीक है। बट टाइम इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि 11 बजे फिर अगली मेरी क्लास स्टार्ट होती है, तो आई विल ट्राई टू आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। नो क्वेश्चन क्लियर है सब कुछ, दैट्स गुड, आपको क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, के हॉब्स लॉक और रूसो की पॉलिसीज जो है वो मॉडर्न डे में कैसे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। हॉब्स की आप देखें, जो उसने कहा था कि एक बंदे को आप एब्सोल्यूट पावर दे दें, वो आपको नजर आता है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, एक बंदे के पास एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है, जिसको मोंटेस्क्यू ने डेस्पोटिज्म कहा था। आपको नॉर्थ कोरिया में नजर आता है, ठीक है, तो आपको उसकी एग्जाम्पल्स ये हैं। लॉक ने कहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी हो, अब तकरीबन दुनिया का मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज दे आर लिबरल डेमोक्रेसीज, ठीक है, कि वहाँ पे मेजोरिटी रूल भी है जैसे पाकिस्तान में है, और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। तो लॉक की आपको पाकिस्तान, यूएसए, यूके, ये सारे आपको लिबरल डेमोक्रेसी लॉक की एग्जांपल्स आपको नजर आती हैं, ठीक है जी। पीडीएफ ऑफ मोंटेस्क्यू इज सफिशिएंट, ठीक है।
तो इस तरह अच्छा सोवरेनिटी का आपने पूछा, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हम आगे वाले लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस करना है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके वाई इज देयर नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट थ्योरी इन पाकिस्तान? बिल्कुल, आप देखिए हमारी क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, हमारे पास सन अवेलेबल है, हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह को, हमारे पास ओशन की एक्सेस है, हमारे पास सारी डिफरेंट टेरेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, सब कुछ है. तो हम अपनी क्लाइमेट को, एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, हम चाहें तो बहुत अच्छा उसको यूज कर सकते हैं क्लाइमेट को, वी आर नॉट लैंड लॉक, ठीक है, बट करें तो यही तो बात है. चलें जी, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको अच्छा समझ आया होगा, कल हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.